उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जनपद के प्रभारी मोती सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर 4.5 साल की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि यूपी सरकार ने प्रदेश में बिजली, स्वच्छ जल, गड्ढा मुक्त सड़कें, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, जूता, मोजा, आयुष्मान कार्ड, कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट, आवास, आयुष्मान कार्ड, किसानों का 34,000 करोड़ का कर्ज माफी, रोजगार का साधन उपलब्ध कराया है। वहीं कोरोना को जिस तरीके से हमने विषम परिस्थिति में संभाला है, जिसकी तारीफ WHO और सभी देश के राष्ट्र के अध्यक्ष कर चुके हैं, हमने देश में सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश को बनाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग, कभी आपको सौभाग्य मिला हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, वहाँ पर जिस तरह के अद्भुत विकास की रूपरेखा रखी गई है वो अकल्पनीय है, कल्पना के परे है। हमारे पर्यटक स्थल देव दीपावली का उत्सव अयोध्या में, अवधवासियों को सम्मान देने का विषय, एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज बस्ती, और बस्ती में जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं, कार्य किए हैं, उसका लेखा जोखा लिखित रूप में आपको हमने दिया है। उन सबसे अपने को जोड़ते हुए सड़क, बिजली, विद्यालय, कायाकल्प के माध्यम से उनका विकास, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, किताब, बस्ता, उनका पंजीकरण और शहरीकरण को रोकने के लिए रूपवर्ण ऐसी योजना को लागू करने का प्रयास, मनरेगा से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का काम, पंचायत भवनों का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और अंत्येष्ट स्थल ऐसे जो बहुत उस विषय को हम सामाजिक रूप से नहीं जोड़ते थे, उसमें सरकार की प्राथमिकता, हमारे एक विधायक द्वारा अपने विधायक, बस्ती के विधायक हैं रवि सोनकर जी, जिन्होंने अपनी विधायक निधि से अंत्येष्ट स्थलों का निर्माण कराया, नियमों को शिथिल कराया। आज विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट देने का निर्णय हमने लिया, बस्ती में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हुई। कितना बड़ा काम है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी, योगी जी की सोच ने आज हमको ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा है। हम अच्छे अस्पतालों की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ कम है, हमारे पास डॉक्टरों का स्टाफ कम है, हम उसकी व्यवस्था में लगे हैं।